संक्रमण के हालात 2020 की याद दिला रहे हैं। अस्पतालों के सभी बेड भरे हैं, मेडिकल स्टोर्स में दवाएं खत्म हो रही हैं, मरीज इलाज के लिए डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाते देखे जा रहे हैं, तो बच्चों को बुखार आ रहा है। हालांकि कोरोना से मौत के सरकारी आंकड़े रोजाना 5-10 ही बताए जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स का दावा है कि असल आंकड़ा काफी ज्यादा है। चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि देश में आने वाले कुछ महीनों में कोविड-19 से 80 करोड़ लोग संक्रमित हो सकते हैं। वहीं चीन के हालात को देखते हुए भारत सरकार भी अलर्ट हो गई। केंद्र ने राज्यों को सतर्क रहने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोरोना के हालात की समीक्षा के लिए अफसरों और विशेषज्ञों के साथ बड़ी बैठक की। वहीं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि भारत की स्थिति चीन से काफी अलग है, हालांकि लोगों को सतर्क रहने की काफी जरूरत है। कोरोना के मामले की बात करें तो भारत में पिछले हफ्ते कोरोना से 1103 नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान कोरोना की गाइडलाइन पालन को लेकर फिर से यात्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं।